नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। शुरू करते हैं बड़ी खबर। खाने के तेल, रसोई गैस, आटे और पेट्रोल डीजल के बाद अब आपको जल्द ही दवाइयों की महंगाई से जूझना पड़ेगा। जरूरी दवाइयों के लिए अब आपको अधिक पैसा खर्च करना होगा। अगले महीने से 800 से अधिक दवाइयों की कीमतें बढ़ने जा रही है। दवाइयों की कीमतों में 10% तक का उछाल आ सकता है। जिन दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी उनमें बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज में काम आने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। पैरासिटामोल जैसी सबसे अधिक उपयोग होने वाली दवाओं की कीमतों में भी वृद्धि से ग्राहकों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अप्रैल से पेन किलर और एंटीबायोटिक के रूप में काम आने वाली दवाओं की कीमत में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं शेड्यूल ड्रग्स की कीमतों में इस वृद्धि को सरकार से मंजूरी मिल रही है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी का कहना है कि इन दवाइयों की कीमतों में थोक महंगाई दर के आधार पर बढ़ाई जाएंगी। बता दें कि NPPA ने शेड्यूल ड्रग्स की कीमतों में 10.7% से इजाफे के लिए अनुमति दे दी है। फार्मा कंपनियां COVID-19 महामारी के बाद से ही दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। बता दें आपको कि शेड्यूल दवाइयां होती क्या है, तो मैं बता दूं, शेड्यूल दवाइयों में जरूरी दवाइयां शामिल होती हैं। इनमें ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी कीमतें दवा कंपनियां स्वयं से नहीं बढ़ा सकती हैं। इन दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इनमें वे दवाइयां भी शामिल हैं जिनका उपयोग मध्यम से लेकर गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों के उपचार में हो रहा है। वही कोरोना वायरस महामारी के बाद से ही फार्मा इंडस्ट्री शेड्यूल ड्रग्स की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। 1000 से ज्यादा भारतीय दवा निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लॉबी ने नवंबर 2021 में सरकार से सभी तय फॉर्मुलेशन की कीमतों में 10% का इजाफा करने की मांग की थी। इसके अलावा गैर अनुसूचित दवाओं की कीमतों में 20% का इजाफा करने की मांग की गई थी। तो ये थी बात कि एंटीबायोटिक और पेन किलर सहित अब 800 दवाइयां अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।